नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर थाना के अंदर 1 जुलाई 2024 से पास हुए आपराधिक मामले के नए कानून को समझाने के लिए जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को बुलाकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई करते हुए थाना अध्यक्ष विनय दुबे ने सब कुछ साफ साफ स्पष्ट बताया कि इस कानून को किस तरह से लागू करना है और जनता को कैसे सब कुछ बताया जाए, इस पर पूरी चर्चा हुई और उन्होंने विस्तार से सब कुछ एक एक करके जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए आग्रह किया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए ये रिपोर्ट। थाना परिवार इस महती सेमिनार में आने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए साधुवाद देती है, धन्यवाद देती है, आपका इस्तकबाल करती है। मान्यवर, आप सभी को जानकारी हो कि आज रात्रि 12 बजे के बाद यानी 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून का प्रावधान लागू कर दिया गया है। अब भारतीय दंड विधान हमारे अतीत का हिस्सा बन के रह गया। अब CRPC जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, वह हमारे अतीत का एक हिस्सा बन के रह गया। अब हम भारतीय न्याय संहिता के हिस्सा बन गए। अब हम भारतीय BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिस्सा बन गए और अब हम भारतीय साक्ष्य संहिता के हिस्सा बन के रह गए। जो संहिता पहले लागू थी, जिसके तहत पुलिसिंग होती थी, जिसके तहत न्याय देने का एक माध्यम पुलिस हुआ करती थी, अब वो हमारे अतीत का हिस्सा होगा। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, जिसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। राज्य के 25,000 से भी अधिक पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को नए कानूनों में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथ ही आम लोगों को भी वीडियोस, ग्राफिक्स, इंफोग्राफिक्स एवं अन्य माध्यमों से नए कानूनों के प्रति लगातार जागरूक कर इससे जुड़ी शंका को दूर किया जा रहा है। नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR, नोटिस, समन, ट्रायल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक थानों का नए उपकरणों के साथ आधुनिकरण किया जा रहा है। अब हर थाने में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर तथा अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण होगा। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूतों के प्रबंधन, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की एक एक इकाई, कुल 2 इकाइयां स्थापित की जा रही है। नागरिक व पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ADB न्यूज 7। खत्म हो गया, वो तो पहले से ही खत्म है। FIR भी ऑनलाइन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि FIR आप हाथ से लिख करके दिए और जाइएगा नकल निकालने के लिए तभी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और अलीनगर थाना में जो FIR हुआ उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर आप रहने वाले हैं मधुबनी के, आपके साथ मधुबनी में घटना होती है और आप आ जाते हैं हमारे यहाँ अलीनगर थाना में ये बताने के लिए कि सर हमारे साथ एक घटना घटित हुई है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि नहीं आप जाइए मधुबनी के उस थाने में जहाँ आपके साथ घटना घटित हुई है। ऐसा नहीं है, मैं ही आपकी FIR को लूंगा और मैं ही उस FIR को, 0 FIR उसे कहा जाता है, उसे मैं फॉरवर्ड करूंगा कंसर्न PS में जहां FIR आपका दर्ज हो जाएगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और अलीनगर के किसी घटना के बारे में FIR दर्ज कराना चाहते हैं, वो भी FIR आप
ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन है कि आपको 3 दिनों के अंदर 72 घंटे के अंदर कंसर्न थाने में आना होगा और वहां आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, FIR हो जाएगा। FIR की प्रति आपको निःशुल्क उसी समय दी जाएगी। FIR की प्रति के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना होगा, नकल लेने के लिए आपको उसी समय निःशुल्क पुलिस प्रदान करेगी। विद इन 90 डेज 90 दिनों के अंदर पुलिस आपके केस का जो अनुसंधान पूरा करेगी उसमें डे बाय डे प्रोग्रेस आपको अवगत कराएगी कि इस केस में कितना हद तक हम लोगों ने क्या काम किया है और किस हद तक अनुसंधान के रिगार्डिंग, किस हद तक हम लोग अचीवमेंट के टारगेट अचीवमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या क्या किया है, इन तमाम चीजों से आपको ससमय अवगत कराया जाएगा। ये आपका अधिकार है। जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई आदमी सामूहिक बलात्कार का दोषी होता है पॉक्सो के मामले में 376D जो पहले IPC का हुआ करता था इसके एवज में, तो उनके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन लाया गया है, आजीवन कारावास की सजा उन्हें होगी। झूठा और नकली पहचान के आधार पर अगर कोई आदमी यौन शोषण करता है वह भी आपराधिक मनोवृत्ति का वह भी अपराध कृत्य माना जाएगा नए एक्ट में। चिकित्सक अपने बयान पीड़िता से पीड़िता के जाँच करने के 7 दिनों के भीतर देने के लिए बाध्य होंगे, यह पहले भी मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। अपराध और दंड के नए तरीके को परिभाषित किया गया है। पहले जो स्नैचिंग होता था, छीना झपटी होता था, किसी महिला के गले से चैन छीन लिया जाता था, किसी आदमी के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता था, उसको अब गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्य को आतंकी गतिविधि माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं माना जाता था। राजद्रोह की जगह पहले जो राजद्रोह हुआ करता था शब्द प्रयुक्त, उसके जगह अब देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वो देशद्रोह होगा, वो देश के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग होता था बिना विधिक निर्णय के, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए बिना किसी विधिक निर्णय के किसी व्यक्ति को पकड़कर किसी अपराध के संशय के आरोप में उसे मार दिया जाता था। होता था ना कि बच्चा चोरी करके भाग रहा है, ये बच्चा चोरी करने वाला है, या ये फलाना आदमी है ऐसे यहाँ से गुजर रहा था, हम इसको पकड़े और पब्लिक भिड़ गई और झुक पब्लिक का काफी मॉब जमा हो गया और मॉब जमा होकर बिना विधिक निर्णय के उसको फांसी की सजा दे दिया, मार दिया, पीट पीट कर मार दिया। अब उसमें बहुत ही कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है, उसमें मृत्यु दंड का सजा है। जितने लोग उस व्यक्ति को मारने में रहेंगे सबको फांसी की सजा होगी, सभी मृत्यु दंड के भागी होंगे। मॉब लिंचिंग नहीं करना है किसी आदमी को। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है कि कौन सा संगठित अपराध है। अगर लैंड ग्रैबर है, भूमाफिया, वो संगठित अपराध का हिस्सा माना जाएगा। कोई ऐसा आदमी होता है जो यहाँ जमीन लिखवाता है, वहाँ जमीन लिखवाता है, केवल विवादित जमीन को टारगेट करके चलता है, अगर उसके संबंध में पुलिस का रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जाता है कि फलाना लैंड ग्रैबर है, जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला है, किसी को बाला फुसला करके जमीन लिखवाता है और नजायज ढंग से जमीन पर कब्जा कर लेता है, वो संगठित अपराध का हिस्सा माना जाएगा। और संगठित अपराधकर्मी और अपराध के लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। मैं ये बुकलेट दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा। करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना, निर्धारित समय समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। 2 से ज्यादा स्थगन माननीय न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें माननीय न्यायालय को अगर लगता है कि किसी ऐसे सेक्शन में FIR हुआ है जिसमें सजा का प्रोविजन less than 3 years है, 3 साल से कम सजा का प्रावधान है, उसको वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। माननीय न्यायाधीश अगर चाहें तो समरी ट्रायल उसमें कर सकते हैं। अपराध होता है किसी महिला के साथ, बच्चे के साथ अपराध होता है, तो उसमें पुलिस उस महिला, उस पीड़ित बच्ची को 24 घंटे के अंदर उसकी सहमति से उसका मेडिकल कराएगी और डॉक्टर साहब लोग, चिकित्सक महोदय लोग Within 7 days 7 दिनों में उस चिकित्सीय जांच को पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए बाध्य होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पुलिस दौड़ लगाते रहती थी, आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, ऐसे होते रहता था और ये अनवरत चलते रहता था। अब ऐसा नहीं होगा, 7 दिन में चिकित्सक महोदय ये अपना मंतव्य चिकित्सा से संबंधित, जाँच से संबंधित देने के लिए पुलिस को बाध्य होंगे। ये प्रोविजन लाया गया इसमें।